नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। पूर्व बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन तेजाब हत्याकांड में दोषी करार। तेजाब हत्याकांड मामले में कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाते हुए सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को दोषी करार दिया है। उल्लेखनीय है कि सिवान में दो युवकों का अपहरण कर तेजाब से नहलाकर बेदर्दी से उनकी हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड के चश्मदीद रहे मृतकों के भाई का कहना है कि इस वारदात के समय पूर्व सांसद शहाबुद्दीन खुद उस वक्त वहां मौजूद थे। वहीं दूसरी तरफ जेल प्रशासन का दावा है कि शहाबुद्दीन उस समय जेल में थे। शहाबुद्दीन के लिए इस गंभीर अपराध की सजा कितनी हो, इस पर फैसला विशेष अदालत 11 दिसंबर को सुनाएगी। अयोध्या राम मंदिर पर दावा छोड़ दे मुस्लिम, कटियार। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य विनय कटियार ने एक बार फिर राम मंदिर के निर्माण की बात दोहराते हुए मुस्लिमों से अयोध्या पर अपना दावा छोड़ने को कहा है। कटियार ने कहा कि अब ये साबित हो गया है कि अयोध्या राम की ही जन्मभूमि है। कटियार ने कहा कि राम मंदिर निर्माण में तीसरे विकल्प के तौर पर सरकार संसद में कानून भी बना सकती है। उन्होंने अयोध्या के साथ साथ काशी ज्ञान वापी मस्जिद और मथुरा की ईदगाह को भी खाली कराने की बात कही है। रूस के विनाशक मिसाइल क्रूजर से अमेरिका और तुर्की में घबराहट। रूस ने सीरिया में तुर्की द्वारा उसके युद्धक विमान को गिराए जाने के बाद क्षेत्र में अपनी सैन्य शक्ति में इजाफा करते हुए कॉस्पियन सागर में अपनी नौसेना के विनाशकारी और खतरनाक मिसाइल क्रूजर मिश्का को तैनात कर दिया है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूस के इस कदम से अमेरिका और तुर्की में घबराहट फैल गई है, क्योंकि शीत युद्ध के बाद ये पहला मौका है जब रूस ने खुलकर अपनी ताकत का इजहार किया है। रूस ने अमेरिका द्वारा सीरिया के सेना को निशाना बनाने की भी कड़ी निंदा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसकी शिकायत की थी। सोनिया और राहुल के मुद्दे पर दूसरे दिन भी नहीं चली संसद। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी की अदालत में पेशी का मुद्दा दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों में छाया रहा। लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेसी सांसदों ने जमकर हंगामा मचाया। राज्यसभा में तो हंगामा इतना बढ़ गया कि स्पीकर को कई बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार सीबीआई और ईडी का सहारा लेकर विपक्ष को डरा रही है, वो दो नीतियों पर देश को चला रही है। खड़गे के आरोप का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा, नेशनल हेराल्ड मामले में सरकार नहीं कोर्ट अपना काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि वो भाजपा को मिले जनादेश का सम्मान करे। फिल्म अभिनेत्री रानी मुखर्जी मां बनी। फिल्म अभिनेत्री रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा माता पिता बन गए। 9 दिसंबर को रानी ने मुंबई स्थित ब्रीच कैंडी अस्पताल में बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम आदिरा बताया जा रहा है, जो आदित्य रानी से मिलाकर बनाया गया है। आदिरा और रानी दोनों ही स्वस्थ हैं। रानी के अनुसार ये उनके लिए भगवान की ओर से सबसे बड़ा उपहार है। रानी ने मां बनने के बाद अपनी खुशी का इजहार करते हुए अपने प्रशंसकों और शुभचिंतकों को धन्यवाद कहा है। वेब दुनिया समाचार में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों और अन्य जानकारियों को जानने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.webdunia.com पर।